बचाने के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गया। आप सम्मान दो, मैं भी सम्मान करता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम जो इस देश के राष्ट्रपति थे, आप सम्मान करो, हम भी सम्मान करते हैं। तो अनिल राजभर के साथ, भाजपा के साथ जो मुसलमान रहते हैं, वो हिंदुस्तान की भी जिंदाबाद बोलते हैं, भारत की भी जिंदाबाद बोलते हैं। वंदे मातरम बोलने में उनको शर्म नहीं आती है, भारत माता का जयकारा लगाने में उनको शर्म नहीं आती है। और तुम्हारे साथ जो वैसी रहता है, बहराइच की धरती पर जाकर ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी और तुम्हारे नेता ओवैसी का चेहरा बेनकाब हो गया है। गया कहा? अगर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को जाकर पहला माला पहनाता तब मैं जानता कि हिंदुस्तान की धरती से उसको प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं किया। इस देश के लिए लड़ाई किसने लड़ी? समाज को बचाने की लड़ाई किसने लड़ी? राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने लड़ी। तो पहला माला विदेशी को पढ़ना चाहिए कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को पढ़ना चाहिए? आ गाजी को लेकर कहां ओम प्रकाश चले गए, ओवैसी को लेकर गाजी के मजार पर चले गए। राष्ट्रवीर महाराजा नाम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने महाराजा खोते अमर रहे। और एक समय ऐसा आया जब उम्र के आखिरी पड़ाव पर महाराजा सुहेलदेव थे, तो आप बहराइच में जाएंगे तो यह भी पता लगेगा कि वहां सुहेलवा जंगल है, सुहेलवा नदी भी बहती है, वहां के नदी का नाम भी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर, वहां के जंगल का नाम भी जो 42 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, उस जंगल का नाम भी सुहेलवा जंगल है। और उस जंगल में बैठकर एक समय ऐसा था कि भगवान भोलेनाथ की, शंकर भगवान की आराधना करने का काम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था। और भोलेनाथ को याद करते करते उन्होंने अपने प्राण को त्यागने का काम किया था।